हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी कि मैं यूट्यूब की वीडियो बनाऊं, बट कुछ मैं किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहूं या कोई भी मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि वीडियो सिर्फ बनानी है, उसमें एडिटिंग वगैरह इन सब में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे उस चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा था। अभी मैं किस काम में बिजी थी इतने दिन से, ये मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी आज मैंने सोचा कि इतने टाइम से, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी तो मुझे ना अपने हेयर ना स्किन किसी चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा था केयर करने का। सो आज मैं प्लान कर रही थी अपने लिए एक होममेड फेस पैक बनाने का जो केमिकल फ्री है। सो मुझे लगा कि अकेले क्यों करें, आप लोगों को भी मज़े देते हैं। सो अब मैं आज बनाऊंगी ड्राई स्किन के लिए फेस पैक, और ड्राई स्किन के लिए जो मैं फेस पैक बनाने वाली हूँ उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है ऑलिव ऑयल। वो इसीलिए हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है क्योंकि जो हमारी ड्राई स्किन है उस पर सबसे जल्दी एजिंग आती है, सबसे जल्दी फाइन लाइंस दिखने लग जाती हैं, इचिंग होती है, ड्राई होती है स्किन तो रैशेज हो जाते हैं, तो हीलिंग भी करता है ये हमारी स्किन की। और अभी तो विंटर्स का टाइम है तो 90% लोगों की स्किन ड्राई होगी, और ये मेरा हाथ पता नहीं अभी भी कैसे छिल गया, अभी देखा मैंने, तो अभी तो 90% लोगों की स्किन ड्राई होगी इस मौसम में। तो मैंने सोचा कि सबकी त्वचाएं अच्छी करते हैं, संतूर मॉम बनाते हैं सबको, और जो अनमैरिड है उनको बना ही देंगे कुछ ना कुछ, तो पापा की परी बना देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे मैं पैक बना रही हूँ, और बहुत इजी है, आप मतलब घर में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। और इस पैक को आप अपनी स्किन पे रोज लगा सकते हो, डेली लगा सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा हार्श केमिकल या कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारा ऑलिव ऑयल स्किन की फाइन लाइंस को हटाता है, ठीक है, दूसरा स्किन को ब्राइट करता है, जो हमारा नेचुरल ग्लो होता है, जो लाइक हमारे डेड स्किन वगैरह निकालता है, हमारे ब्लैक हेड्स को प्रिवेंट करता है, एंड रिड्यूस करता है उस पर फाइन लाइंस को, हीलिंग पावर होती है उसमें, जो कि जैसे किसी किसी के ड्राई स्किन की वजह से रैशेज हो जाते हैं, तो ऑलिव ऑयल का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हील करने में बहुत वर्क करती हैं। प्लस हम उसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स और डालेंगे जो और भी ज़्यादा अच्छे हैं स्किन के लिए, वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताऊंगी। चलते हैं फिर पैक बनाने में, फिर मिलते हैं उसके बाद। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले 1 स्पून एलोवेरा जेल डाल रहे हैं इसमें, एंड उसके बाद हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स पाउडर। अब क्योंकि मेरे पास अभी इस टाइम मिक्सी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने बस उसको जितना मुझसे बीट हुआ मैंने उतना कर दिया, अदरवाइज़ आप मिक्सर ग्राइंडर में कॉर्नफ्लेक्स को पीस के उसका पाउडर बना सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 चम्मच से 2 चम्मच तक पानी मिक्स करा है, आप एक भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड 2 चम्मच मैंने उसमें पानी अभी मिक्स करा है। इसके बाद हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक नहीं हो जाती। इसमें मैं 1 चम्मच हनी भी ऐड कर रही हूँ, और हनी को भी मैं इसी पैक के साथ मिक्स कर दूँगी। हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है ऑलिव ऑयल वो हम अभी थोड़ा बाद में डालेंगे। तो ये मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं अपना सेकेंड ऑयल का मिक्सचर बना लेती हूँ, जिसमें मैंने 1 स्पून आलमंड ऑयल डाला है, एंड 1 स्पून मैंने इसमें ये ऑलिव ऑयल डाला है। ऑलिव ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो मैंने दोनों ऑयल्स 1-1 चम्मच डाल लिए, एंड अब उन दोनों ऑयल्स को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो मेरे दोनों ऑयल्स अच्छे से मिक्स हो गए, अब जो मैंने पहले मिक्सचर बनाया था उसमें मैं अपने ऑयल्स का मिक्सचर डाल दूँगी। अब मुझे इसके बाद अच्छे से उसको मिक्स करना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि वाटर एंड ऑयल मिक्स नहीं होते, आपको पता है। तो हमें बहुत ही अच्छे से उसको मिक्स करना है, बहुत देर लगेगी इसमें लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, जब तक इसका ऐसा थिक पेस्ट नहीं बन जाता। थोड़े से इसमें मेरे आ रहे हैं दानेदार टाइप, क्योंकि मैंने कॉर्नफ्लेक्स को नहीं मिक्स करा था, वो पाउडरी फॉर्म में नहीं था, बट मेरे से जितना हुआ मैंने कोशिश करी। आप याद रखो, अगर आप कॉर्नफ्लेक्स का पाउडर डालो तो उसे अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर लो, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे कंसिस्टेंसी पेस्ट की और अच्छी बनेगी। तो अभी मैंने उसे अच्छे से कर लिया है, एंड उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की हो गई है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। बाल मैंने सारे पीछे टक करके कर दिया, फेस पैक की एप्लीकेशन स्टार्ट। अगर मुझे कॉर्नफ्लेक्स का पाउडर मिल जाता तो इसकी कंसिस्टेंसी और भी बढ़िया बनती, तो इससे क्या होता है, ये जो हमें कॉर्नफ्लेक्स के थोड़े से दाने दाने दिख रहे हैं ना, ये नहीं दिखते, बट ठीक है, हमारे पास अवेलेबल नहीं था। और वैसे अगर हम होममेड पैक भी बना रहे हैं तो ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होता, हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम
लोग कुछ कर ही नहीं दे सकते किसी को। इतना हॉर्न बजा रहे हैं, तो ये पैक आपको अच्छे से अप्लाई करना है। अब आप इसको फिंगर से भी कर सकते हो, मेरे पास ब्रश था तो मैंने कर लिया, आपके पास हो तो कर लेना, नहीं हो तो फिंगर से कर लेना। और ये बहे जा रहे हैं, मेरे कपड़े गंदे हुए जा रहे हैं, तो आप अगर कभी भी इसको लगाओ तो आप थोड़े से गंदे कपड़े पहनो। और एक चीज़ याद रखो, अगर आपको कॉर्नफ्लेक्स पाउडर मिल जाए फिर तो बहुत ही बढ़िया पैक बनेगा, इससे भी डबल अच्छा। क्योंकि ना मैंने कॉर्नफ्लेक्स को पाउडर करके कराया, अगर मेरे पास मतलब मिक्सी वगैरह कुछ होता ना तो मैं अच्छे से कर पाती, बट अभी मैं बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ, इसलिए मैंने जितना बीट हुआ ही मैंने कर लिया। अच्छा लग रहा है ये, बहुत मैंने लगाया ही है तो मतलब इतना ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट दे रहा है ये, मैं आपको क्या बताऊँ, और ज़्यादा बह भी रहा है। तो ये पैक मैंने अच्छे से लगा लिया है, और आप इस पैक को इसमें इतना मेरी लिपस्टिक खराब हो गई, लिपस्टिक नहीं खराब होनी चाहिए, स्किन अच्छी करते करते। तो ये पैक मैंने अप्लाई कर लिया है, अभी तो थोड़ा सा ये बहने को ही हो रहा है, बट अभी ठीक है, थोड़ी देर में जब ड्राई होगा तो ये स्किन पे सेट हो जाएगा। तो मुझे हनी का टेस्ट आ रहा है, ये थोड़ा सा ना मेरे मुँह में। तो अब हम इसको 20 मिनट के लिए अप्लाई करके छोड़ देंगे, और 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट कैसा है। और आप इस पैक को रोज़, अगर आपको रोज़ भी करना है तो इसमें क्योंकि कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री पैक है, होममेड है, आप इसको रोज़ लगा सकते हो, ठीक है, मतलब नाइट केयर में आप अपने इसको ऐड कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे कि पैक लगाने से पहले मैंने करा, वो मैंने दिखाया नहीं वीडियो में, मैंने अपना फेस वॉश करा अच्छे से, क्योंकि अगर आप गंदे फेस पे लगाओगे पैक को तो पैक अपना इफेक्ट नहीं दिखाता है। हमेशा हमें पैक लगाने से पहले या तो आप वीक में एक बार जैसे हम स्क्रब करते हैं तब स्क्रब के साथ आप पैक लगा सकते हो, अगर आपको डेली बेसिस पे लगाना है तो अपने फेस को या तो आप क्लींजिंग मिल्क से क्लीन करो या फिर आप फेस वॉश करो, अदरवाइज उसके बिना पैक मत लगाना, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और उसका भी फायदा भी नहीं होगा। फेस वॉश करके मैंने पैक लगाया, उसके बाद मैं आपसे 20 मिनट बाद मिलती हूँ और फिर देखते हैं। और ये मुझे लो बैटरी की नोटिफिकेशन आ गई जिससे मेहनत थी, चलो ठीक है 20 मिनट बाद। 20 मिनट पैक को मेरे कंप्लीट, और ये मेरी मम्मी सज रही हैं, इनको भी मैंने लगाया था क्योंकि एक्स्ट्रा बन गया था लेकिन इन्होंने हटा दिया, इस लड़की को ही मैंने लगाया था। हाय। ये लड़की हो गई है खुश, मुझे मत दिखाओ कुछ, क्यों कुछ बोलो, हेलो बोलो इन सबको, हेलो। ये लड़की हंस रही है और अपने नेल आर्ट शो कर रही है, अभी से नए नए कराए हैं। तो अब मैं पैक हटाने जा रही हूँ, पैक हटा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब कर लिया है मैंने पैक अपना अच्छे से रिमूव, एंड आप ग्लो देख सकते हो क्या मस्त ग्लो आया है इस पैक का। तो अब मैं गाना गा सकती हूँ, तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ। तो गाइज मेरा पैक बहुत ही अच्छा, बहुत 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 ही ज़्यादा इफेक्टिव पैक है ये, मैंने पर्सनली पहली बार इस पैक को यूज़ करा है, एंड ट्रस्ट मी मतलब वो वंडर्स कर देगा आपकी स्किन पे, इतना अच्छा मुझे इसका रिजल्ट लगा। आप देखो कितनी ग्लो आ रहा है स्किन पे, एंड इतनी ज़्यादा क्लीन लग रही है स्किन। बाकी आप इस पैक को ट्राई करो, मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये पैक कैसा लगा, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस चीज़ में इतनी ज़्यादा बिजी थी इतने दिन से। सो गाइस बने रहो वीडियो में, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है मेरा सलोन, एंड मैं इसी के काम में इतने टाइम से इतना ज़्यादा बिजी थी, आपको पूरा एक अभी तो बहुत गंदा हो रखा है, बट मैं आपको सून मैं इस एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, एंड सारी चीज़ें यहाँ पे सारी सर्विसेज अवेलेबल होते हैं मेकअप स्किन एंड हेयर से रिलेटेड, आप अगर कुछ भी कराते हो तो। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे अपना टाइम दिया एंड देखा इस वीडियो को पूरा, एंड अब पैक का तो आपने देख ही लिया, रिजल्ट बहुत अच्छा है। बाकी आप मेरे सलोन विजिट करो, और सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, एंड सारी सर्विसेज प्रोफेशनल तरीके से की जाती हैं। एंड बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहो मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड वीडियो को शेयर करो, क्योंकि विंटर्स में भी सभी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई, सबको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड स्पेशली इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है, ये पूरा होममेड पैक है। तो एक तरीके से अगर आप फेशियल्स कराने नहीं जा सकते कहीं, या आप अपनी स्किन के लिए टाइम भी निकाल पाते, तो ये 5 मिनट का प्रोसेस, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, एंड एपिक रिजल्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।